morning students, this is Suman Goyal. Let's start our mathematical class. Your chapter one, number system. Okay? Today we will take a review on the previous class topics so that you all will more clear about those topics. Okay? Let's start. Number system में हम क्या discuss करते बेटा? Numbers के बारे में. ठीक है? नंबर्स में क्या होते हैं, सारे जितने भी नंबर्स हैं ना वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. ओके, रियल नंबर्स के ही पार्ट्स हो जाते हैं आगे रैशनल एंड इरेशनल. रैशनल और इरेशनल रियल नंबर्स के दो पार्ट, आप इनको इस रियल नंबर के टू हैंड्स बोल सकते हो. ओके, रैशनल में क्या करता, रैशनल में इंटीजर और नॉन इंटीजर. अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर्स आते हैं. तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इंटीजर में कौन कौन आता है, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर. अब होल नंबर में कौन कौन आता है, जीरो और पॉजिटिव नंबर. ठीक है, और नॉन इंटीजर होता है जैसे तुम्हारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन जो तुम्हारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो आ जाते हैं, और सेकेंडरी फ्रैक्शन वाले और आपके डेसिमल नंबर्स. ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स का मतलब होता है जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, मतलब ना बाय वाले लेने आपको ना पॉइंट्स वाले लेने. तो रैशनल के दो होते हैं, इंटीजर नॉन इंटीजर, और इंटीजर्स में दो नंबर्स आ जाते हैं, होल और नेगेटिव. वैसे इंटीजर्स में होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, और जो जीरो और पॉजिटिव होते हैं वो होल नंबर में आ जाते हैं. जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स हमारे क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर. काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो, और काउंटिंग नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर. ठीक है, ये चार्ट क्लियर हुआ तुम्हें. ओके, अब हम आपका जो चैप्टर वन है ना नंबर सिस्टम, उसमें हम रैशनल इरेशनल को ही डिस्कस करते हैं. ठीक है, आज हम इसका रिव्यू कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक्स और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चीज के बारे में स्टडी करने से पहले हम क्या सोचते हैं, वो होता क्या है, तो डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या होती है कि रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. जहां पर पी और क्यू तो इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं, बट क्यू नॉट इक्वल जीरो मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा समथिंग बाय जीरो इज ऑलवेज इनफाइनाइट, दैट इज अनडिफाइंड इन मैथ्स. ओके, तो कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए. अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल, लास्ट क्लासेस में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी. तो क्या था कि जो नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं किए जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर. ओके, रैशनल पी बाई क्यू वाले और इरेशनल नो. ये तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट. अब हमने नाइन्थ क्लास में आके इसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया, किसके बेसिस पे, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन पर. डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, जैसे तुम्हें कोई भी नंबर दे रखा हो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उसको डेसिमल फॉर्म में लाना. ठीक है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपकी टर्मिनेट होती है और नॉन टर्मिनेट रिपीटेड. ठीक है, टर्मिनेट क्या होता है, जैसे मैंने 1/2 ले लिया, 1/2 क्या होता है 0.5 ना, 7/8 ले लिया, वो आप सोल्व करके देखिए ना, 7 को 8 से डिवाइड कर सकते हो, 0.875 बन गया. ये भी मतलब टर्मिनेट, मतलब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाए, मतलब उसे आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो. टर्मिनेट का तो मतलब ये होता है. ठीक है, और नॉन टर्मिनेट रिपीटेड क्या होता है, जैसे 1/3, 1 को अगर आप 3 से
नेवर बिकम्स जीरो, कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं बनता, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड। और रिपीटेड का एक नया नाम भी है आपकी बुक में, रीअक्रिंग, ठीक है, रीअक्रिंग। रीअक्रिंग का मतलब होता है बार बार किसी चीज का आना, ठीक है। अब जैसे इसका क्या बन गया आपके पास 0.3333, तो एक नई चीज भी देखी हमने, ये चलता रहता है। तो अगर ऐसा हो तो हम उस नंबर पे पर्टिकुलर जो नंबर रिपीट हो रहा है, पर्टिकुलर डैट नंबर, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, क्लियर ना। तो ये होती है नॉन टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रही, खत्म तो नहीं हो रही ना, चलती जा रही है, बट रिपीटेड, बट रिपीट होना शुरू हो जाती है, ओके। एंड इरेशनल में डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की होती है, डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनल की डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की होती है बेटा, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड, ना ही तो कहती है मैं रिपीट होंगी और ना ही टर्मिनेट, ठीक है। अब किस तरह के नंबर्स आते हैं वो बताती हूँ। अब जो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ ना, वो एग्जांपल तू तुमसे कभी भी कोई इरेशनल का एग्जांपल पूछे तुम भी दे सकते हो, तुम्हें खुद बनाना सकते हो। जैसे वन, आप ऐसे रखो 0.10, फिर वन राइट कर दो इस बार 00, फिर वन राइट कर दो इस बार 000, फिर वन राइट कर दो इस बार 4×0 एंड सो ऑन, ओके। ये आप इरेशनल का एग्जांपल दे सकते हो। इसकी जगह वन की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, 72 ले लिया जैसे, 0 फिर 72 फिर 00 फिर 72 फिर 000 सो ऑन। ये होता है क्या, इसमें कहीं भी डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रही है, नॉन टर्मिनेट है ना, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीट, रिपीट कहीं हो रही है, नहीं हो रही बेटा, क्योंकि पहले 0 फिर 00 फिर 000 फिर 4×0, रिपीट तो नहीं हो रही ना, ओके। अब दो रूट 2 रूट 3 रूट 5 पाई, ये भी एग्जांपल है इरेशनल, इनके भी डिस्कशन करेंगे हम, क्लियर है ना आपको ये। अब हम क्या हमने इसका क्या डिस्कस किया अभी तक, कि इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हो आप, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड देन इट इज अ रैशनल नंबर, एंड इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड देन इट इज इरेशनल नंबर, ओके। और इसको आप इस वे में भी कह सकते हो कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रीअक्रिंग, और द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट, क्लियर। तो यहां पे आएगा टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट रिपीट, क्लियर है ना इतना। अभी तो आपको मैंने क्या बताया कि डेसिमल एक्सपेंशन आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, जैसे कोई भी नंबर अगर आपके पास हो, जैसे 5/6 है, तो 6 को आपने क्या किया, 5/6, 5 को 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा आपके पास, 5×8=48, 2×0, 5×3=18, 2×0, देखो रिपीट होना शुरू हो चुका है ना, वो क्या है 0.833, 8 पे बार मत लगाना, 8 तो एक ही बार आया ना, 3 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 3 पे बार लगाओ, ठीक है, ये भी क्लियर है आपको। अब ये तो आपको क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद पता चलता है कि टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करके बता सकते हैं हम कि वो नंबर है, आपको कोई भी नंबर है 4/25 है और 7/30 है और 1/16 है, या फिर आप कह सकते हो 2/15 है, ठीक है। इन नंबर्स को मैं ना डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालूंगा, फिर भी आपको बता दूंगी कि ये रैशनल है, रैशनल की टर्मिनेट फॉर्म में या नॉन टर्मिनेट फॉर्म, रिपीटेड वाली फॉर्म में, कैसे आपको सभी का डिनोमिनेटर देखना, और डिनोमिनेटर अगर इन द पावर्स ऑफ 2 ओनली या ओनली 5 या ओनली 2 and 5 बोथ, इनकी पावर्स में बन जाता है ना, तो टर्मिनेट होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट। मतलब देखो 25 के फैक्टर किए मैंने, क्या आया
फाइव मल्टीप्लाई फाइव, फाइव का स्क्वेयर मतलब फाइव की पावर में राइट कर दिया ना डिनोमिनेटर, तो ये क्या बन गया टर्मिनेटर। इसका डिनोमिनेटर 30, 30 को तुम क्या राइट कर सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 और 5 तो इसके फैक्टर बन रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा टर्मिनेट, ये होगा नॉन टर्मिनेट रिपीटेड। क्लियर ना। अब 16 है, 16 को तुम क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डेट इज 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर्स में आ गया ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है टर्मिनेट। और 15 को क्या लिख सकते हो तुम 3 मल्टीप्लाई 5, तो 5 या सिर्फ 5 की फॉर्म होना चाहिए या सिर्फ 2 की फॉर्म में होना चाहिए या 2 एंड 5 दोनों की फॉर्म में भी हो सकता है, बट उनसे उनको छोड़ के कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 3 आ रहा है ना, 2 और 5 तो नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेट। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे मान लो तुम्हें दे रखो 320 बाई 5 400, इसको क्या लिखोगे 400 को 4 मल्टीप्लाई 100, इसको क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वेयर, 100 को क्या लिख सकते हो तुम 2 का स्क्वेयर इंटू 5 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वेयर। तो देखो दोनों की पावर्स में लिखा गया ना 2 एंड 5 बोथ की, तो भी ये क्या है टर्मिनेट, ये क्या है टर्मिनेट। 2 की पावर में और 5 की पावर अकेले हो या 2 और 5 दोनों की पावर्स में हो उन्हें हम टर्मिनेट नंबर्स कहेंगे, उनको छोड़ के अगर कोई तीसरा फैक्टर आ रहा है चाहे 3 7 11 कुछ भी आ रहा है तो हम वहां पे उन्हें क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेट रिपीट। और एक बात हमेशा याद रखना, ये सभी नंबर रैशनल तो है, क्यों, क्योंकि ये सब पी बाई क्यू की फॉर्म में है और पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब रैशनल तो है। ये तो था कि हम रैशनल की फॉर्म्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो किस तरह क्लासिफाई करेंगे हम, क्लासिफाई रैशनल फॉर्म्स, रैशनल नंबर की फॉर्म्स कैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के बेसिस पे अगर वो 2 की पावर में है या 5 की पावर में है या फिर 2 की पावर और 5 की पावर बोथ में है, ओके, तो वो टर्मिनेट होता है। इसको छोड़ के कोई और ऑप्शन आता है तो वो नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, अब हम रैशनल के इरेशनल के बारे में भी एक बात पढ़ते बेटा कि अंडर रूट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज बी इरेशनल, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपोजिट नंबर होगा उसका अंडर रूट रैशनल होगा। ठीक है, इस बात को अपने माइंड में मत बिठाना, बस सिर्फ इतना याद रखना स्क्वेयर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल। जब भी तुम्हें कोई भी प्राइम नंबर का एग्जांपल दे रखा हो, पूछा गया हो कि स्क्वेयर रूट दे रखे हो और तुमसे पूछा गया हो कि आप क्लासिफाई करो इरेशनल्स को, तो तुम ये देख लेना वो नंबर प्राइम है स्क्वेयर रूट के अंदर तो वो इरेशनल है। प्राइम कैसे पता चलेगा तुम्हें, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ 29 इज अ प्राइम नंबर ना, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड ओनली 25। ठीक है, 1 एंड 29 से डिवाइड होता है ना ये, तो इसका अंडर रूट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है लॉन्ग डिविजन मेथड से, आप विदाउट चेक ये कह सकते हो इरेशनल नंबर है, रीजन आप दे देना बिकॉज स्क्वेयर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ओके। अदरवाइज आप पहले क्या करते थे, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते थे ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आप वो आप उसको छोड़ के आप ये मेथड लगा सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया डेफिनेशन इसकी दो टाइप्स की और इनकी क्लासिफिकेशन पढ़े एक बार रख कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, पहले तो मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि दो कंजुगेटिव होल नंबर के बीच में या इंटीजर्स के बीच में नंबर्स नहीं मिल सकते, बट दो कंजुगेटिव नंबर हो जाए और उनके बीच में रैशनल और इरेशनल इनफाइनाइटली मैंने होते हैं, यू कैन नॉट काउंट देम, बिकॉज ऑन द नंबर लाइन एवरी
पॉइंट इज अ नंबर. ओके, तो बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल. तो मैं एक एग्जांपल 1/4 एंड 1/2 का दोनों में ले रही हूं. ठीक है, ध्यान से समझना. 1/4 एंड 1/2 ये तो तुमने 8 में भी पढ़ा था और मैं इसमें भी रिपीट करवाया था आपको. सबसे पहले क्या करते हैं, दो रैशनल नंबर निकालते तो उनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं ना. तो इसको किससे करूंगी, 2 से, और इसको इसको 4 से. पहले रैशनल नंबर निकालने का बेसिक कांसेप्ट होता है कि डिनोमिनेटर को सेम कर दिया जाए. तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1/4 ये आ जाएगा 2/8 एंड ये आ जाएगा 4/4 एंड 8. अब हमें इनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं तो 3/8 इनके बीच में रैशनल नंबर मिल गया ना. बट अगर आपको इससे भी ज्यादा निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं. आपको जितने निकालने हैं उसके बेसिस पे. ज्यादा निकालने हैं तो ज्यादा बड़े नंबर से करोगे, कम निकालने तो छोटे नंबर से भी कर सकते हो, स्मॉल से भी. तो यहां मैं 3 से कर देती हूँ दोनों को. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6/24 और यहाँ पे आ जाएगा 12/24. तो इनके बीच में कितने मिलेंगे हमें, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24. ठीक है, 5 रैशनल नंबर मिल गए ना हमें. अब ऐसे ही मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं इरेशनल का और तुमसे ये पूछूं कि तुम मुझे बताओ कि 1/4 और 1/2 के बीच में कितने इरेशनल नंबर है. तो इसके लिए तुम्हें पहले इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी होगी. 1/4 को अगर तुम डिवाइड करते हो ना 1 को 4 से तो क्या आएगा, 5/4 = 2, 0, 4, 5 = 20, रिमाइंडर 0. तो ये आता है 0.25, ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो आता है 0.50 राइट कर लो इसको. ओके, अब मैंने तुम्हें क्या मेथड बताया था कि नंबर लिखो फिर 0, फिर नंबर लिखो फिर डबल 0, ऐसे क्या था ना. तो इसमें भी हम करेंगे 0 से 25 और 50 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 0.26, 0.27 ये नंबर नहीं, क्योंकि अगर आप 0.26 लिख देते हो तो वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, खत्म होगी ना टर्मिनेट. पर इसमें खत्म नहीं होनी चाहिए ना ही रिपीट होनी चाहिए. तो क्या करोगे आप, 0.2610 फिर 26, 00 फिर 26, 000 26 4 टाइम 0, सो इसी तरह 0, अब 26 कीजिए 27, 28 लिख सकते हो, 28 00. इस तरह आपसे जितने भी नंबर पूछो आप फाइंड कर सकते हो ना, इनफाइनाइटली मैंने कर सकते हैं ना. ठीक है, इस वे से हम फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, अब आपके पास मान लो 1/2 क्या बन रहा है, 0.5, ये तो है टर्मिनेटर रैशनल. और अगर इसी नंबर को मैं लिख दूं 0.50, 500, 500, 54 टाइम 0, तो ये क्या बन जाएगा, एंड सो ऑन इरेशनल. ठीक है, ये तो है इरेशनल और ये है रैशनल. ओके, अब हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी ना रैशनल की. रैशनल की कौन सी फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी तुमने, फ्रैक्शनल फॉर्म की. जैसे मान लो 1/4 है तो तुमने क्या किया था, नंबर लाइन ड्रॉ की थी, इस पे 0, 1, 1, 2, -1, -2 इस तरह मार्क किया था ना. और 1/4 अगर डिनोमिनेटर में 4 होता है तो अब सबसे पहले तो तुम ये देखते हो न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है और दोनों नंबर नहीं सॉरी नंबर अगर पॉजिटिव है तो हमेशा वो नंबर किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में. और न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम उसे मिक्स में चेंज कर देते हैं. कैसे, जैसे मान लो 7/4 है तो डिवाइड कर लेते हैं, क्या बन जाता 1/3/4, मतलब 1 से तो बड़ा हुआ और 2 से छोटा, तो 1 और 2 के बीच में लिख देते थे इसके अकॉर्डिंग. तो अब हम एक बार तो 1/4 को डिस्कस कर रहे हैं. 1/4 मतलब डिनोमिनेटर 4 है ना, तो उससे एक कम कर दो 3, उसको 3 लाइंस इक्वल इक्वल उन दोनों के बीच में राइट कर दो 0 और 1 के बीच में. तो ये क्या बनेगा 0/4, ये 4/4, ये बनेगा 1/4, 2/4, 3/4. तो इस तरह तुम रिप्रेजेंट करते थे ना. अब हम नंबर लाइन पे रैशनल की दूसरी फॉर्म टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिपीटेड को कैसे रिपीट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे. ओके, एंड इरेशनल नंबर या अंडर रूट वाले नंबर
नंबर्स को या डेसिमल वाले नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, आई थिंक आप सबको क्लियर हुआ होगा। आप तो अब इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, सब कुछ जो आज करवाया है सब कुछ एक बार दोबारा से करके देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।